रामजी असर विद्यालय गुजराती शाला स्टैंडर्ड 4। टॉपिक है हाउ टू फिल अप अ गूगल फॉर्म। स्टूडेंट्स, आज तक आपने स्कूल में एग्जाम देते वक्त कुछ इस प्रकार के पेपर पे एग्जाम दी थी, लेकिन आज हम कुछ अलग प्रकार के पेपर पे देने वाले हैं और वो है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म कैसा होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे आंसर लिखते हैं, चलो वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं गूगल फॉर्म कैसे भरना है आपको। पहले तो आपको अपने 4B क्लास के अकाउंट में जाके ये जो गूगल फॉर्म आया है वो ऐसे ओपन करना है। अब ये गूगल फॉर्म आपके सामने ये ओपन हो गया, बराबर। अपने स्कूल का नाम है, स्टैंडर्ड है, डिवीजन है। अभी आपको ये कैसे भरना है, तो पहले तो देखो यहाँ पे ये जूम करके दिखा रही हूँ, स्टूडेंट नेम है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। देखो जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका कीबोर्ड खुल गया। आप कंप्यूटर में सीखते हो ना टाइप करना, अपना नाम टाइप करना सीखे हो ना थर्ड स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे अपना नाम आपको डालना है। अभी मैं यहाँ पे अपना नाम डाल रही हूँ मीनाक्षी, वैसे आपको अपना नाम डालना है, लेकिन आपको अपना पूरा नाम डालना है। जैसे किसी का नाम होगा पटेल नव्या है, बराबर। अगर किसी का नाम होगा जादव मानसी है, तो ऐसे अपना नाम यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ना है। अभी यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होगा। क्वेश्चन ये वाला दूसरा पेपर है और आपको दूसरा पेपर भेजा गया जाएगा। अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया, हाउ मैनी सेंसरी ऑर्गन्स डू वी हैव। अभी ये क्वेश्चन के कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, देखो यहाँ पे आपको पॉइंट दिखेंगे। जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको मार्क्स दिखेंगे, कितने 1 पॉइंट में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, राइट है या रॉन्ग है। अभी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं, राइट, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखा हुआ आंसर है। इसमें से आपको जो राइट आंसर है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे ये राइट आंसर लग रहा है 5, तो मैं यहाँ पे ऐसे ये जो सर्कल दिया है उस पर मैं ये क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। ये देखो चूज हो गया। तो ये जैसे ही ये चूज हो जाएगा आपको यहाँ पे मार्क ऊपर मिल जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दिख रहा है, ये है क्वेश्चन 2, विच इज दिस ऑर्गन। आपको ये पिक्चर पहचान के आंसर करना है। अभी ये क्या है, यहाँ पे आंसर क्या दिया है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स। तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ हार्ट पे। अभी क्वेश्चन 3, ऐसे आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसा जैसा आपको लगे आंसर उस पे आप टिक करते जाइए, क्वेश्चन पढ़िए और टिक करिए। पढ़े बिना आंसर टिक करना नहीं है। अभी ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये क्वेश्चन 4, आवर ब्रेन इज सिचुएटेड इन विच कैविटी, तो क्रैनियल कैविटी। फिर है क्वेश्चन 5, अवर लंग्स एंड है हार्ट बोथ आर सेफ इन डैश। अभी ये डैश में क्या आएगा, अब्डोमन, नो, रिब केज या क्रानियल कैविटी। तो मुझे ये आंसर राइट लग रहा है, रिब केज, राइट। अब यहाँ पे देखो आपको ये सबमिट ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और पेपर सबमिट कर देंगे। जैसे पेपर सबमिट कर दिया, राइट, ओके। तो ऐसे आपको ये
पेपर सॉल्व करना है। अभी देखिए, जैसे ही आपने पेपर सबमिट किया तो आपको ऐसा वाला फ्रेम आएगा। अभी यहाँ पे आपको लिखा है व्यू स्कोर। क्या लिखा है? व्यू स्कोर मतलब अपने स्कोर कितने हुए हैं, आपको कितने मार्क्स मिले हैं। वो यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको अपने मार्क्स, देखो यहाँ पे स्कूल के बाजू में नीचे लिखा है टोटल, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 5 क्वेश्चन थे तो 5 के 5 राइट हुए, इतने 5 out of 5 मिले हैं। तो आपको भी अपना पेपर सबमिट करने के बाद जो वो व्यू स्कोर आएगा उस पर क्लिक कीजिए और अपने मार्क्स देख लीजिए। ऑल द बेस्ट।